दोस्तों सत श्रीकाल सभी को, राम राम। टेक्नीशियन ब्रो चैनल की तरफ से मैं आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं कि टाटा की जो भी जितनी भी गाड़ियां हैं इनमें इस टाइप की पुल एंड पुश टाइप की प्रेशर प्लेट और फैन टाइप क्लच प्लेट आती है। तो एक्चुअली क्या है, जो आपको पहले एक मैंने वीडियो डाला था जिसमें क्लच पैडल जो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, जो ऐसे अप डाउन अप डाउन कर रहा था, तो उसकी जो मेन शाफ्ट जो इसकी रीजन थी ये था। ये देखो पूरी कट गई है, ये हमारे पास ऑलरेडी पहलों की भी निकाल रखी है, तो इसका फॉल्ट आया था। ये जो शाफ्ट होती है इसके अंदर चलती है हमेशा, ये इसके अंदर ऐसे, ठीक है, ऐसे इसके अंदर रहती है। तब ये क्या है, अभी ये प्ले आ जाती है तो जिस कारण से ये भी हिलता रहता है, तो पैडल हमारा अप डाउन होता रहता है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिस कारण से वीडियो बना रहा हूँ कि एक तो पहले तो इसकी क्लच प्लेट रखी कैसे जाती है और इसकी जो रिलीज बैरिंग की सेटिंग है ये कैसे की जाती है। ये जो क्लच प्लेट है देखो, ये जो दोनों साइड में देखो, ये जो इसका उभरा हुआ ये बैठा हुआ हिस्सा, ये तो आपको फ्लाईव्हील साइड में रहेगा, और ये जो उठा हुआ ये हिस्सा है ये आपका प्रेशर प्लेट की तरफ रहेगा, इसकी तरफ, ठीक है। इसमें लिखा भी होता है, ठीक है, ये देखो इसमें लिखा है फ्लाईव्हील साइड, ये जो हिस्सा आपका फ्लाईव्हील की साइड में रहेगा, फिर देख लो इस टाइप में। और ये जो ज़्यादा हुई हिस्सा जो बाहर निकला हुआ है ये आपका प्रेशर प्लेट की तरफ रहेगा, ठीक है। ये तो रही इसकी क्लच प्लेट की बात, अब रही बात इसकी प्रेशर प्लेट की बात। ये है इसकी प्रेशर प्लेट, इसमें ये तीन बोल्ट लगे रहते हैं। जब भी आपने क्लच प्लेट न्यू डालना है तो ये तीन बोल्ट फुल टाइट करके रखने हैं। इसमें होता क्या है, उस वक्त ये जो इसकी डिस्क होती है प्रेशर प्लेट की, ये अंदर हो जाती है, जिस कारण से ये जो क्लच प्लेट होती है, ये देखो दिखा देता हूँ, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ना ये इसकी तरफ आएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ही चलता है। तो उस वक्त क्या करना है, जब आप ये डालोगे तब ये शाफ्ट रख लेना है इसके अंदर डाल के। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा डेमो देके, ऐसे करके ये जैसे ये डाल लेना है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके जब ये आगे से निकल आएगी तो क्लच प्लेट को सेंट्रलाइज कर लेना है इसी से ही थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो अभी दिखाता हूँ, ये अभी आगे, ठीक है, इस टाइप में अब ये हो गया सेंट्रलाइज, ठीक है। अब आपने इसकी सेटिंग के बारे में, बहुत बंदे क्वेश्चन करते हैं इसकी सेटिंग हमने करना कैसे है। मैं अक्सर बताया जाता हूँ कि ये जो इसका जो ये बोल्ट है ये वेल्डिंग से फिक्स होता है, इसके साथ स्लीव के साथ ये फिक्स होता है, ठीक है, ये वाला बोल्ट। और ये जो होता है ये एडजस्टेबल होता है, ये देखो मैं घुमा के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो ये घूम रहा है। अभी हमें आइडिया नहीं होता कि इसको कैसे वो करना, तो उसका आइडिया के लिए एक माचिस की तिल्ली रखनी है, इसके बीच में रख देना है, ठीक है, ऐसे दोनों नटों के बीच में रख देना है। इससे क्या है, आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये एक एक्यूरेट मतलब अनुमान है ये, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप में रखना है। अभी क्या करना, ये जो इसका जो बारूद वाला हिस्सा है ये वाला, इसको तोड़ देना है, ये जो इसका जो बारूद वाला हिस्सा है इसको तोड़ देना है, इसको रखना नहीं है साथ में। अब ये देखो ये हो गया, ये अभी इसके बीच में एक्यूरेट आ रहा है, बस इसको क्या है अभी इसको टाइट कर दो यहाँ पर ही, ये इसका अनुमान है, इस नट को ही टाइट करना है, ये जो घूम रहा है इसको नहीं, ये ऑलरेडी वेल्डिंग हो रखा है, ठीक है, ये आप इसको थोड़ा सा और कर दो इसको, बस इसको अभी टाइट कर दो, इसको टाइट कर देने से ये फिर हिलता नहीं है स्लीव, ठीक है। एक बार फिर समझा रहा हूँ, ये जो है ये खराब, ये कई बार जो हमारा क्लच पैडल फ्रैक्चर करता है वो इस शाफ्ट के कारण करता है, देखो पूरी घिस गई है ये, ठीक है, तो ये जो शाफ्ट है वो इसके अंदर रहती है ऐसे, ठीक है, ऐसे ये है रीजन। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, थैंक यू।